नमस्ते। आज अखबार में खबर आई है कि सोनीपत में एक लड़की को ड्रग दिया जा रहा था, नशीली दवा दी जा रही थी, और जब उसको ड्रग एडिक्ट बना दिया गया तो उससे बोला तुम कन्वर्ट हो जाओ, तो नशे की गोली देके धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। एक बात मैं इस देश के सभी सांसदों और विधायकों से पूछता हूं, आपने SC ST एक्ट बनाया, SC ST एक्ट में आपने यह प्रावधान किया कि जैसे ही शिकायत होगी तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी के बाद 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाएगी, SC ST एक्ट का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, 1 साल के अंदर उसका फैसला आना चाहिए, और 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का भी प्रावधान है, कोर्ट चाहे तो 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दे सकती है। कहने का मतलब SC ST एक्ट में शिकायत करते ही FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज होते ही गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होगी, 1 साल के अंदर मुकदमा खत्म होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और प्रॉपर्टी जब्त करने का भी प्रावधान है। इस देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण SC ST का ही होता है, सवर्णों का धर्मांतरण इतना नहीं होता, ब्राह्मणों का धर्मांतरण इतना नहीं होता, क्षत्रियों का धर्मांतरण इतना नहीं होता, व्यापारियों का धर्मांतरण, वैश्यों का धर्मांतरण नहीं होता। सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है शेड्यूल ट्राइब्स का, दलितों का और आदिवासियों का। तो अगर हम दलितों और आदिवासियों की रक्षा के लिए SC ST एक्ट बना सकते हैं जिसमें यह प्रावधान है कि शिकायत होते ही गिरफ्तारी होगी, शिकायत होते ही FIR दर्ज होगी, शिकायत 3 महीने के अंदर चार्जशीट बनेगी, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, ऐसा ही केंद्रीय कानून हम SC ST एक्ट को बचाने के लिए धर्मांतरण खिलाफ क्यों नहीं बना रहे? SC ST एक्ट सबसे ज्यादा जो परेशान है वो धर्मांतरण से है, लालच देके, धोखे से, नशा देके, शराब देके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, स्कूल में लालच, एडमिशन का लालच देके, हॉस्पिटल में इलाज कराने का लालच देके। तो अगर SC ST एक्ट के खिलाफ SC ST एक्ट बन सकता, SC ST एक्ट को बचाने के लिए SC ST एक्ट बन सकता है, तो फिर वैसा ही कठोर कानून धर्मांतरण खिलाफ क्यों नहीं बन सकता? और मैं कह रहा हूं धर्मांतरण के खिलाफ ही क्यों, पूरा देश घूसखोरी से परेशान है। तो जिस तरीके से SC ST एक्ट में जांच बाद में होगी, पहले मुकदमा दर्ज होगा और गिरफ्तारी होगी, ऐसे ही जैसे घूसखोरी की शिकायत आए पहले आप मुकदमा दर्ज करो, गिरफ्तार करो, बाद में उसकी जांच करना। जमाखोरी का अगर मैटर आता है तो जमाखोरी की शिकायत करते ही मुकदमा दर्ज करिए, गिरफ्तार करिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजिए। तो जैसा प्रावधान SC ST एक्ट में है, 5 चीजें हैं उसमें SC ST एक्ट में, शिकायत के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज, मुकदमा दर्ज करते ही गिरफ्तारी, 3 महीने के अंदर चार्जशीट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, 1 साल के अंदर फैसला होगा, और 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान। यही प्रावधान हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून में क्यों नहीं रखते? यही प्रावधान हम घूसखोरी नियंत्रण कानून में क्यों नहीं रखते? यही प्रावधान हम जमाखोरी नियंत्रण कानून में क्यों नहीं बनाते? ऐसा ही प्रावधान हम मिलावटखोरी के खिलाफ क्यों नहीं करते? ऐसा ही प्रावधान हम नशा तस्करी के खिलाफ क्यों नहीं करते? ऐसा ही प्रावधान हम कालाबाजारी के खिलाफ क्यों नहीं करते? ऐसा ही प्रावधान हम मानव तस्करी के खिलाफ क्यों नहीं करते? ऐसा ही प्रावधान हम माओवादियों नक्सलियों के खिलाफ क्यों नहीं करते? ऐसा ही प्रावधान हम जिहादियों के खिलाफ क्यों नहीं बनाते? हमारे पास एक SC ST एक्ट है ना, तो अगर SC ST एक्ट में यह हमने प्रावधान दे दिया है कि शिकायत करते ही मुकदमा दर्ज होगा, शिकायत करते ही 3 महीने के अंदर तुरंत गिरफ्तारी होगी, 3 महीने के अंदर चार्जशीट बनेगी, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, तो ऐसा ही प्रावधान हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून में क्यों नहीं रहे कर रहे हैं? घूसखोरी नियंत्रण कानून में क्यों नहीं करते? जमाखोरी नियंत्रण कानून क्यों नहीं करते? ऐसा ही कानून हम मिलावटखोरी के खिलाफ क्यों नहीं बनाते? कालाबाजारी के खिलाफ क्यों नहीं बनाते? और बाकी तो बनाओ चाहे ना बनाओ, कम से कम SC ST एक्ट को मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए, जिहादियों को चंगुल से बचाने के लिए धर्मांतरण वाला कानून तो बनाइए। आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा हो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मुझे लगता है अब पार्टी से ऊपर उठ के बात करने की जरूरत है, क्योंकि याद रखिए 25 साल के बाद
आज के नेता 25 साल के बाद आपको आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आज के अच्छे नेता जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, ये 25 साल बाद आपके घर में अगर कुछ होगा तो उसको ठीक करने नहीं आएंगे। लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल बाद भी आपको, आपके बच्चों को बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा। इसलिए दल गुलामी छोड़िए, नेता भक्ति छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। जय हिंद, जय भारत।